हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम मिक्स वेज रायता बनाएंगे। इसमें आप अपनी पसंद की सब्जियां डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो, और जो आपको ना पसंद हो आप उनको हटा सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने करीब 1 कप दही लिया है घर का जमा हुआ, और ये मैंने खीरा लिया है, ये प्याज लिया है, ये टमाटर लिया है छोटा सा। खीरे को मैंने छील कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और प्याज को भी मैंने साफ़ करके उसे काट लिया है। मैं इनको एक साथ चॉपर में, हैंड चॉपर जो आता है उसमें मैं इनको चॉप करूँगी, जिससे ये एकदम बराबर चॉप होंगे। फिर हम इनको इसमें मिक्स करेंगे। आप चाहें तो प्याज को हाथ से बारीक बारीक काट सकते हैं, और खीरे को कद्दूकस कर सकते हो, टमाटर को भी कट कर सकते हैं। ठीक है, मेरा चॉपर। अब इसमें मैं ये खीरे को डाल देती हूँ, ये प्याज को भी थोड़ा छोटा छोटा करके काट देती हूँ। टमाटर, आप इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया, जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, और जो आपको पसंद नहीं है उसको हटा सकते हैं। आप प्याज नहीं खाते तो प्याज हटा सकते हैं। बस अब इसको बंद करके हम इस तरह से इसको चॉप करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा चॉप हो गया है, खीरा, प्याज और टमाटर। ज़्यादा बारीक भी नहीं करना हमको। ठीक है, अब इसको साइड में रखते हैं और हम दही को मथ लेते हैं अच्छे से। ये मैं इसको हाथ से ही मथ रही हूँ, हाथ से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो मिक्सी में भी चला सकते हैं हल्का सा दही को। आप जितना गाढ़ा या पतला रखना चाहें उतना रख सकते हैं। अब ये वेजिटेबल्स इसमें मिक्स कर देते हैं सारी। अब हम इसमें मसाले मिलाएंगे। काला नमक 1 छोटी चम्मच, सफ़ेद नमक 1/2 छोटी चम्मच या टेस्ट के अकॉर्डिंग, लाल मिर्ची पाउडर टेस्ट के अकॉर्डिंग, भुना हुआ जीरा। ये देखिए जीरा है, मैं भून के रखती हूँ लेकिन क्रश करके नहीं रखती। इसको साथ के साथ हाथ से क्रश करके डालें तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़ी सी हम इसमें हींग डालेंगे, हींग से बहुत अच्छा टेस्ट आता है रायते में। सबको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसको सर्व करते हैं। थोड़ी सी लाल मिर्ची से हम इसकी डेकोरेशन कर देते हैं। थोड़ा सा जीरा, और बिल्कुल थोड़ा सा काला नमक। तो ये लीजिए, तैयार है गर्मियों में ठंडा ठंडा और हेल्दी मिक्स वेज रायता। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।